बोरी ला जाएंगे इंस्टेंट, कोई 10 दिन 15 दिन इंतजार नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहले आपको मुल्तानी मिट्टी चाहिए 1 चम्मच, उसके बाद आपको चाहिए बेसन 1 चम्मच। आपको पता ही है ये घर में तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी, ऐसी आसान वीडियो थी मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। उसके बाद आपको टूथपेस्ट चाहिए। अच्छा, दो तरह के हैं, एक तो जैसे कि ये सेंसोडाइन और डॉक्टर हो गया, इसमें तेज केमिकल्स होते हैं, इनको हमने इस्तेमाल नहीं करना स्किन के लिए। हम हर्बल लेंगे जो हम सस्ते पेस्ट मार्केट में मिलते हैं, इसमें वो इंग्रेडिएंट्स होंगे जिनकी हमें जरूरत है, ज्यादा तेज नहीं लेंगे। उसके बाद हम जो है वो लेंगे मीठा सोडा। मीठे सोडे के बाद हमें चाहिए सैंडलवुड पाउडर, यानी सैंडल की लकड़ी का पाउडर, और लास्ट पे हमें चाहिए दूध, बॉयल या कच्चा कोई भी चलेगा। अब जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में जो है वो 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी का डालेंगे। इतनी क्वांटिटी से जो पेस्ट बनेगा वो आई थिंक सो आपके जिस्म के तमाम कलेजों पर पूरा आ जाएगा, आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें 1 ही चाय का चम्मच यानी बराबर मिकदार में मैं शामिल करूंगी बेसन। उसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी तकरीबन 4 से 5 चुटकी मीठा सोडा। आप नहीं मिलाना चाहते डजन मेटर रिजल्ट तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं लाजमी इसको मिलाऊंगी क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद जितना हमने मीठा सोडा लिया 4 से 5 चुटकी, इतना ही हम इसमें सैंडलवुड पाउडर मिलाएंगे, सैंडल की लकड़ी का पाउडर। 4 चीजें होंगी। लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून टूथपेस्ट, यानी टूथपेस्ट, बेसन और मुल्तानी मिट्टी हम वजन लेंगे, और बेकिंग सोडा और सैंडलवुड पाउडर ये दोनों ऑप्शनल है, लेकिन आप डालें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। कि आपने तकरीबन 5 चुटकी के बराबर या 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा इसमें शामिल करना है, एंड दैट्स इट, बहुत इजी सा है। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें जो पेस्ट की शक्ल देने के लिए जरूरत पड़ेगी वाटर की, उसकी जगह हम दूध शामिल करेंगे। आप रोज वाटर भी शामिल कर सकते हैं और पानी भी, लेकिन दूध से व्हाइटनिंग ज्यादा आती है, आप सब जानते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप लोग प्लीज कंजूसी मत दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये रहा आपका सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कर लेने के बाद साथ में बेल का बटन बना हुआ है उस पर भी क्लिक करें, तो इसके बाद आपको जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो पुराने दोस्त हैं उन सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप जरा चेक कर लीजिए कि आपने क्या बेल के बटन पे क्लिक किया हुआ है। जब आप बेल के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे, इसी वजह से बहुत सारे दोस्तों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता। अगर बेल के साइड पे 2 लाइनें बन जाएंगी, दैट्स मीन कि आपने बेल को क्लिक किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी आप बेल को क्लिक कर लीजिए। ठीक हो गया? आपने आई एम श्योर कि जो नए दोस्त हैं उन्होंने पूरी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी वीडियो इसलिए लाते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक हो गया? अब ये हमारा पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है कि आप इसे अपने गर्दन पर लगाए, फौरी रिजल्ट पाएंगे। काले घुटने हैं, जिस्म का कोई भी काला हिस्सा है, कोहनियां हो गई, जैसे आप चेहरे को छोड़ के क्योंकि ये थोड़ा तेज है, इसे आप अपने चेहरे पर अप्लाई नहीं करेंगे, मैं यहीं पे आपको मना करती हूँ, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है वो चेहरा जो ज्यादा हसास होता है तो वो ड्राई हो जाएगा। आजकल वैसे भी सर्दियां आ चुकी हैं, ये हवाएं जरा ज्यादा खुश्क है। अच्छा जी, आपने जिस्म के किसी भी काले हिस्से पर गर्दन पर लगाए, पूरी चमक जाएगी, तो आप लगा के 25 मिनट छोड़ दीजिए। ये नहाने से पहले आप कर सकते हैं, अप्लाई करिए और इसको 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 20 से 25 मिनट। ठीक हो गया? तो उसके बाद आपने इसको वॉश कर देना है, नहा लेना है, दैट्स इट, और ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो आपको जो है वो तकरीबन 17-18 साल से लेके तो उसके ऊपर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के ये अप्लाई मत करिए, और तकरीबन कल या परसों की वीडियो में आप लोगों को छोटे बच्चों का वेट गेन करने का तरीका बताएंगे, और साथ में छोटे बच्चों की गर्दन स्कूल जाने की वजह से या मिट्टी में खेलने की वजह से उनके जिस्म के हिस्से, घुटने, गर्दन, कोहनियां वगैरह काली स्याह हो जाती है, तो जो है वो खासतौर पर मदर जो होती है वो ज्यादा परेशान होती है। तो आप लोग परेशान नहीं हो, बच्चों के लिए बहुत ही जो है वो हम अच्छा नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे बच्चों को किसी किस्म का नुकसान भी नहीं हो। वीडियो के मुतालिक फीडबैक देने, इसको शेयर भी करना है, क्योंकि इंस्टेंट आजकल ईद से पहले से हम वीडियो आपके साथ इंस्टेंट रिजल्ट शेयर कर रहे हैं आपकी पसंद को देखते हुए, एंड आई एम श्योर कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। अब चलते हैं फाइनली अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें आप लोगों के साथ एक हदीस मुबारक जो है वो शेयर करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दस्तरखान पर गिरी हुई चीज उठाकर खाता है
इसकी औलाद हसीन और जमीली पैदा होती है और इससे मोहताजी दूर की जाती है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हम अमल ही ना कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक लाजमी पसंद आया होगा, इसमें तो ना पसंद आने वाली कोई वजह ही नहीं है। और इसके साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखना, आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती